आबकारी विभाग ने परिवर्तन अभियान के तहत जनपद के कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी की, जिसके संबंध में आबकारी निरीक्षक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सबसे पहले टीम ने बड़गांव ईट भट्टा थाना गघा तहसील गोला ग्राम बढ़िया बुजुर्ग थाना उरवा में छापेमारी की, जहां पर 38 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया और लगभग 250 किलो महुआ लहन को नष्ट किया गया और 4 लोगों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया, जिसकी पहचान रामज्ञा पुत्र स्वर्गीय वैरागी निवासी कहला थाना गघा, बिंद्रावती पत्नी सुरेश बेलदार निवासी बढ़िया बुजुर्ग, फूलवासी पत्नी स्वर्गीय राम केवल बेलदार निवासी बढ़िया बुजुर्ग और सावित्री पत्नी स्वर्गीय श्रवण बेलदार निवासी बढ़िया बुजुर्ग थाना उरवा तहसील गोला के रूप में हुई है। उसके बाद आबकारी की टीम ने ग्राम गौरगंज के ईट भट्टा छितौनी थाना बेलघाट तहसील खजनी में छापेमारी की, वहाँ पर 55 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुआ और लगभग 200 किलो महुआ लहन व बनाने के उपकरण मौके पर नष्ट किया गया। वहां पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिनकी पहचान उषा पत्नी सिजई निवासी ग्राम गौरगंज थाना बेलघाट, दूसरा मुनि सागर पुत्र रसियावन निवासी ग्राम गोदना थाना बेलघाट के रूप में हुई है। छापेमारी में आबकारी निरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह, आबकारी कांस्टेबल साहब यादव, बिंदु कुमार शिव सागर, अनिल चौधरी, श्रीकांत सिंह, अशोक कुमार, आशीष मिश्रा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक अमित कुमार श्रीवास्तव ने कहा, गिरा दो इसको। का नंबर नहीं बता कर दिया ना, एक वीडियो बना लीजिएगा 10-15 सेकंड तो वो खींच ले, तो महिला के साथ, महिला के साथ ये फोटो ले लो, केवल महिला, 2-3 फोटो महिला वाले, ठीक। हाँ, जिलाधिकारी महोदय जी के निर्देश पे जो अभियान चलाया जा रहा है आबकारी का, तो उसमें आज जो है चौरी चौरा गोला और खजनी में दबिश दिया गया है आबकारी विभाग द्वारा, जिसमें कुल 125 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया है और करीब 1450 किलोग्राम महुआ लहन को नष्ट किया गया है और जो उपकरण होते हैं बनाने वाले उनको भी नष्ट किया गया है। 8 अभियोग कुल जो है दर्ज किए गए हैं और आबकारी के धाराओं में जो है ये अभियान सर कब तक चलता है? ये वैसे तो लगातार चलता ही रह रहा है, लेकिन ये विशेष अभियान है जो 12 तारीख से लेकर 18 तारीख का है, एक हफ्ते का अभियान है।